तो यहाँ मेरी फ्रेंड कुछ बोले, क्या बोल रहे? अरे भूल ही गई मैं क्या बोलना, याद ही नहीं आ रहा क्या बोलना है, अभी बनाया नहीं ब्लॉग। अब ऐसा बोल क्या 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 बोलना, मुझे बता कि क्या क्या बोलना है ना। याद निकाल है मुझे, मैं तो भूल ही जा रही हूँ, भूलकर होना जा रहा है। अच्छा। अबे हैं स्टेडियम से और आते ही थोड़ी हमने 5 मिनट रेस्ट किया और पानी का आनंद लिया, क्योंकि ना या फोन पर भी लगी, वीडियो पर भी लगी ध्यान में, या भाई फोन पे बात भी कर रही है, वीडियो में भी इसका ध्यान है। तो यहाँ पर हमारा छुटकू कुछ बोल रहा, छुटकू चली बह, छुटकू बाहर भाग गया। एक बार बताऊँ, ये ब्लॉग के चक्कर में मैंने अपने फ्रेंड को बाय बाय कर दिया, जल्दी 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 मेरा ब्लॉग का। अब उन्हें कुछ मत आ रही ना, देख ले बोल रहे हैं, मैं भूल गया जा रही कि क्या बोला मैंने, क्या ये हमें देख हंस रही, क्या करे यार। कि बोल ही नहीं रहे हैं, अब बोल चल बोलेंगे। मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, वो हंस रही। कोई बात नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं, मैं कितने सालों में मिले, 5-6 सालों में। हाँ सही बात है, 5-6 साल खुशी के मारे जो बोलना है वो भी बोल जा रही हूँ। वो बार बार अपनी गप लग रही है हमारी, फोन को खोलने का ध्यान लग रही। हमने कहाँ गए थे, हम क्या करते थे, क्या खेलते थे छोटे में ना, छोटे जब छोटे थे की बात भूल गई। हाँ जब छोटे थे यार, बहुत बचपन की, जो इनका गाँव है ना, बहुत बचपन की याद है वहाँ की, लसियारी की। कभी जाऊंगी मैं तो वहाँ की वीडियो भी बनाऊंगी। हमारा गांव तो इतना अच्छा था कि बताएं क्या बोलना। हाँ बताएं क्या, इतना चाहे यार सही में, क्योंकि हम रहे वहाँ, मेरे पिताजी वहाँ 18 साल मेरे पिताजी ने जॉब किया, बचपन वहीं का, बचपन तो पूरा वहीं, बहुत याद है। और वो भी एक माई का जैसा है ना। मैं तो कितनी बार सोचती कि मैं कब जाऊँ, आप पता कसम जाएंगे भाई, आप दीपावली में जरूर, दीपावली में बनाएंगे प्लान, ठीक है। हाँ तो राखी भी आना उस समय, ठीक है राखी। हाँ राखी को थोड़ा शरम आती है ना बोलने में, थोड़ा शरम आती है भाई, इसको एक लड़का बिठो तो यहाँ पर अच्छा जॉब करती है, ऐसे नहीं है वो लड़की ना, जॉब भी करती है। और इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का है तो प्लीज जलम पत्री भेजें और कमेंट वो करें, नौकरी वाला होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ नहीं ना, कोई नहीं, जो जॉब राखी करे तो कोई नहीं, घर में वो कर लेगा, तेरे साथ हेल्प करेगा, ऐसा भी तो चाहिए यार, है ना। और क्या, तो ड्यूटी से आएगी, खाना वाना बनेगा रहेगा, ये वाला सोच रखो ना अब, है ना। हाँ तो ये वाला आजकल ना, जैसे हमारे घर जब आते हैं तो लाइन लगती है, जब कोई नहीं आता, मैंने वरता कोई नहीं आता, फिर अकेली रहती गुणी जैसी रे। हमारी फिलौर देख के मेरी और सहेलियां भी होगी ना जो मायके की, वो भी जलेगी, बोलेगी कि ये जा रहे ये जा रहे के साथ को मिलने और हम नहीं गए, जैसे मच्छी माहेश्वरी, मैंने तो माहेश्वरी है कि जो कि वीडियो कॉल पर बहुत देर पहले बात कर रही थी, है ना। हाँ वो भी ऐसे घंटा बात हुई उससे। हाँ पहले आए और हम तीनों ने उससे साथ छक करे बात कर, दो करी गए तो भी अब ये भी चले जाएंगे, अपने देवरानी को भी छोड़ूंगी, तब तो मैं पागल हो जाऊंगी अकेले अकेले। देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में, एक जा रहा, दूसरा आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा जा रहा, है ना। आजकल तो ऐसे ही हो रही, अच्छा लगता है जैसे कोई आ रहा कोई जा रहा, तो माहौल से बना रहता घर में, कोई नहीं आता तो बेकार भी लगता, पता। लक्ष्य कैसा लग रहा तुझे? ये बहुत बड़े लोग बोला मैं आ जाऊँ बोलते कि खुद लग रही थे वैसे बहुत बड़े, मैं वही लचीती तक मैं लाऊँ, बहुत बड़े बोला मैं आ जाऊँ बहुत बहुत जहाँ वो ब्लॉग में बने नहीं उन बालों थाम लेने कौन को ना ना ते आप जी ठाण छोड़नी बड़े लोग थे ना 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 आप तो यू तो बेकार लोग ना तो तेल मिशेल है बारा ये तो मिशेल तो ना बात तो तुम वाली बहुत बड़े लोग ना अच्छा अरे भाई मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम अब आ रहे अच्छा यख अच्छा यख अच्छा यख अच्छा नहीं मेरा ध्यान वहां भी ना, वो बेटा बाहर चले गया, वो
कोई हाँ वो पानी में। तो यहाँ पे मैंने कितना समझाया था पता इसको कि लड़ाई मत करना, लड़ाई मत करना, ये दोनों फिर लड़ाई कर, ये लास्ट माना मेहमानों से हमने बेइज्जती करी छोड़ी दो नहीं पता लोड़ा। ये देखो एक लड़ाई करके अंदर चले गया है और राजी इतना समझा रखा था मैंने, मैंने कहा मेहमान चले जाएंगे उसके बाद लड़ाई कर देना तुम, कोई बात नहीं है। तो ये बेइज्जती करी थी आखिर इन्होंने लड़ाई कर करके। और क्या वो तो है यार, इन्होंने इतना समझा रखा था यार, मैंने मैंने कहा लड़ाई मत करना, जब मौसी चले जाएगी उस बात करना तुम लड़ाई। बिस्किट पे इन दोनों की लड़ाई हुई यहाँ पे। आप बोल रहे होंगे ना इस घर में कितने पकोड़े बनते हैं, मैं खुद ही पकोड़े लगा लूं तो मेरे घर में जितने भी गेस्ट आएंगे मैं सबके लिए पकोड़े बनाती हूं, क्योंकि तब मुझे भी अच्छा लगता है ना पकोड़े खाने के लिए। नहीं तो और दिन क्या होता है ना, केविन के डैडी भी मना करते हैं और केविन भी मना करता है, फिर मैं अकेली, मुझे लगता मैं किसके साथ खाऊं किसके साथ, तो मैं सोचती रहती कोई ना कोई बात नहीं, मैं तो बुलाया कर हमेशा पकोड़े। मैंने कहा भाई ऐसी करेंगे हम, कोई नहीं तब मन करेगा तू आ जाना ठीक है, तो मैं नहीं आऊंगी ले लेना, तब तो ये पकौड़े बहुत महंगे पड़ जाएंगे फिर। ना ना जब बोलूं बोला तभी और भाई बिना बुलाई हूँ। दीदिया खाता पकौड़ा तो बहुत टेस्ट होना है ना, अच्छा लगता है। लच्छी ये बात तो है भाई, लच्छी भी बोलती है और तेरे जीवी भी बोलती सब बोलते हैं कि पकौड़े अच्छे लगते हैं, और मुझे खुद ना पकौड़े खाना बहुत टेस्टी लगता है और पकौड़े के साथ में चटनी भी अच्छी लगती है। आज नहीं बनाई ना मैंने चटनी, आज हम अभी स्टेडियम से घूम के आए उस वक्त थकान सी लग रही थी, मैंने कहा आज ऐसे सॉस में काम चलाते हैं, खा खा के इसने हमें आज ही मोटा बना दिया तब। जब से आए तब से खाई रहे तो मजा बना जा रहा से खाने का आनंद तभी तो आता जब ज्यादा रहते पता, अकेला अकेला मन ही नहीं करता तो ज्यादा रहते तो अच्छा भी लगता, खाने का आनंद भी आता है ना। चाय की चुस्कियां लेते हुए और राखी कुछ न बोलते हुए राखी सर मारिए क्यों कोई लड़का मुझे पसंद कर देगा, इसलिए कम थोड़ा शर्म लगती मुझे तो कुछ बोल। अरे यहाँ सब देखता ऑल ओवर इंडिया, हम शर्माते हमारे स्कूल अकेडमी सब बोलो ए नो टेंशन, हम सब शर्माने वाले नहीं है, हम पहाड़ी है, पहाड़ी पहाड़ी है और क्या, हमारे कपाल में खुश होते हैं नियत में नहीं होता। हमारे कपाल में चोट होता नियत नहीं, जब खोट तब होता जब चोट लगती है। पहाड़ों में गिरते ना नहीं होता ठीक बोला, जब गिरेंगे तब खोट होगा। चलो अब पकोड़े और चाय का आनंद लेते हैं थोड़ा है ना, मन ही नहीं कर रहा पर मत जाना, मैं यही तक ये मजी क्या बोला इसने सुना किसी ने, मैं इनको बोल रही यही रहो यही रहो, मान ही नहीं रहे क्या बोले, कहाँ रहते हैं रोड ब्लॉक हो गए, घर जाने की भी सोच रहे हैं, पर अब जो होगा तब जब तक पहुंचेंगे रोड ब्लॉक हो रही है जा रहे थे देवरानी जी को छोड़ने देवरानी जी के घर तक, क्योंकि इनका शर्त था कि लेना भी आना है छोड़ने भी आना है, तो हम इनका छोड़ने जा रहे हैं, तो इनको छोड़ने जा रहे थे तो मेरी फ्रेंड लोग भी आ रखे थे, तो हमने कहा हम रास्ते में इनको भी छोड़ देते हैं, और मैंने इसको बहुत जिद किया था यहीं रहे यहीं रहे यहीं रहे, नहीं रही है क्या बताएं, चार साल बाद आए तब देख ली, आप बता दिया कि आएंगे कब देखते हैं वीडियो में बने रहिए आधे की नहीं आधे की। और राखी रानी कुछ बोलिए नहीं नहीं कि मम्मी को जानता नहीं बोल बोल दिया था राखी नो कमेंट्स नो कमेंट्स नो कमेंट्स मैंने कहा राखी कुछ बोल पर नहीं बोल, ऐसा भी होने चाहिए कोई कोई ब्लॉग में ना अच्छा भी लगता था ना, सब बोलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तीसरा तीसरे का नंबर कैसा आएगा फिर है ना, अब बोलने वाले तो हम दोनों ही।
मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे मैं हूँ वैसे ही राजी है। मेरे फ्रेंड का नाम है राजेश, घर में हम राजी बोलते हैं। हाँ मेरा बेटा नहीं है भाई वाला, हमारा भी हम तो खुश भी नहीं है आज की। नहीं वो कह रहा था कि नहीं जाना, ताई के घर रहना है ना। हाँ क्या कर रहे तेरी मम्मी, बोल दे कि चलते हैं। मम्मी मोन बोलो ना रे नम छोड़ना आना। चल भाई यार तो मैं इसलिए नहीं उठी, मेरी गोद में यहाँ पे सुंदरी मुंदरी सो रखा है। हम निकलते हैं आज, तो पहुँच चुके हम देवरानी के घर पे। तो दीपू हमसे पहले ही आ गया था, दीपू अपने दोस्त के घर गया था। तो बीच में कल अपने दोस्त के घर में गया था दीपू। प्रणाम। तो यहाँ पे हमने खाना भी बना दिया है, हम आए हम यहाँ पे खाना बना दिया, आटा भी लच्छी ने बनाई, पनीर की सब्जी, और मेरी ड्यूटी है रोटी बनाने की। चलो फिर अब बनाते हैं रोटी। मुझे ठंडा लगना। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी रोटी। तो मुझे ना आलसी सा लग रहा, सुस्त भी लग रहा, मैं रोटी तो बना रही हूँ। और जैसे वहाँ पे थे हम लच्छी, और मैं अभी मेरे घर में लच्छी है, तो लच्छी जैसे मैं और लच्छी वहाँ पे, तो हम हंसी मजाक करते थे, तो बुरा भी लग रहा ना। बन गई हमारी रोटी, हम रोटी खा के हम भी चलते हैं यहाँ से, फिर मिलेंगे लच्छी को। पता नहीं कब मिलते, कब मिलते लच्छी मिलेंगे। खाना होना खाया हमने, अब निकल पड़ते हैं हम यहाँ से। तो लच्छी भी खुश हो रखी कि जा रही ना। ये लच्छी रोन बैठी, तो जेठानी में जाने पर देवरानी रोने रोने लग गई भाई। भाई चुप रहती है, लोन ब्याज छोड़ ब्याज कमाई आती होनी। दीपू ए दीपू ए।